मध्य प्रदेश के रीवा के सुहागी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ में स्थित टोल प्लाजा में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। डिवाइडर से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन टकरा गए, जिसके चलते दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए। इस घटना का लाइव वीडियो टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। ये सभी मैहर से देवी दर्शन कर वापस लौट कर प्रयागराज जा रहे थे और उसी समय यह हादसा हुआ। रीवा जिले के सुहागी थाना के अंतर्गत झिरिया टोल प्लाजा के पास शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में स्कॉर्पियो मालिक गजराज यादव के साथ ही चालक कैलाश यादव की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छह लोगों की मित्र मंडली स्कॉर्पियो में सवार होकर मैहर से मां शारदा का दर्शन कर वापस प्रयागराज जा रही थी और तभी अचानक सुहागी टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर उसके ऊपर चढ़ गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस हादसे का लाइव वीडियो भी टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज हो रहा। आज करीब 1 बजे के आसपास की बात है, दोपहर की, एक मैहर दर्शन करके कोई गाड़ी थी स्कॉर्पियो जो वापस जा रही थी। वापस जाते समय सुहागी पहाड़ के पास में टोल बैरियर के पास में वो गाड़ी जो टोल का डिवाइडर होता है उस पर अचानक टकराई, फिर उसके ऊपर चढ़ गई और जिसके कारण से उसमें बैठे ड्राइवर के साथ में 5 लोग और थे, टोटल 6 लोग थे उसमें, वाहन का मालिक भी उसी में था। उसमें से 2 लोगों को ज़्यादा चोट आई जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, बाकी 4 लोग घायल हुए जिनको प्राथमिक उपचार के बाद उनके परिजनों के साथ प्रयागराज भेज दिया गया है। जिनकी मौत हुई उसमें एक चालक है जिसका नाम कैलाश यादव है और एक उसका वाहन का स्वामी है जिसका नाम गजराज यादव है। इन दोनों की मौत हो गई, इनके PM करा दिए गए हैं। आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? UP के रहने वाले हैं सभी।